देख कछुआ, हाँ देख कछुआ जा रहा है, पर वो रुका पड़ा है अभी तक, ये वाला पता नहीं कब जाएगा। इसका भी टैब आ लिया भाई, जाएगा देख, यही देख रहा हूँ। एक तो चला गया, कछुए बहुत है भाई, ऊपरी तरफ जा रहा है पर, लेकिन भाव इस तरफ है, मैं देख रहा हूँ भाव। चला जाऊँ वहाँ, खड़ा कहाँ से बंद हो जाए फिर वापिस चले जाता हूँ। जाके तो भाव, अच्छा डूबू, भाव तो ऊपर ऊपर है, नीचे इतना ना रहे। भाई कछुआ ही गायब हो गया यार। तो गाइस हम आ चुके हैं नटने के बारा और पानी बहुत तेज बह रहा है, तो आप लोगों ने देख लिया होगा, एक बार और दिखा देते हैं आप लोगों को। और नहाकर तो आए थे लेकिन हालत तो बहुत बुरी हुई पड़ी है, क्योंकि तेल ही नहीं लगाया था बालों में, और बारिश तो हो रही है। अब आपको दिखाते हैं, दिख रहा है, चलो मैं फ्रंट कैमरे से छोड़ कर बैक कैमरे से दिखाता हूँ। तो भाई देखिए यहाँ पर पानी बहुत गहरा है, और आगे तो कुछ गहरा नहीं है। यहाँ पर 229 फुट है, ठीक है, पहले 228 था, कुछ ज़्यादा नहीं बहरा फिर भी, और एक साथ देखे तो ज़्यादा भी है। और इस तरफ देखिए, ठीक है, कछुए आपको दिखाई दिए होंगे थोड़े बहुत, कछुए नहीं दिखे होंगे तो कोई बात नहीं, देख लेंगे, होंगे 15-20 किलो के तो आराम से, काफ़ी बड़ा है। और दूसरी तरफ भी बहरा है, ये पता नहीं क्या कहाँ के लिए जा रहा है रास्ता, दो नाले हैं, दो पहाड़ों पे क्या आवाज़ छाई हुई है यार, बादल देख के तो अच्छे लग रहे हैं भाई, आपको कैसे लग रहा है? क्या यहाँ शेर दिख जाए तो मज़ा कुछ नहीं आएगा गाइस, हम तो घर ही भग जाएंगे। आपको कुछ दिख रहा है? ये बंदर है, जूम आउट करूँगा तो बंदर की कुछ पक्षी दिखेगा कोई, देखो फुल जूम आउट कर दिया, अब फुल जूम इन कर दिया, ये बंदर है, बंदर भी भैया जय श्री राम के ऊपर बैठे हैं, जय श्री राम तो भैया भक्त है ना श्री राम के, तो एक बार कमेंट में जय श्री राम जय शंकर की जरूर लिखिएगा। बगला उड़ता हुआ, इसको जूम कर लेंगे फुल, इसमें मच्छियाँ भी होंगी ऐसी बात तो नहीं है गाई, लेकिन कछुए भी बहुत हैं यार, कछुए देखे हैं, मच्छियाँ तो हमने देखी नहीं है इसमें। देखिए पहाड़ों के नज़े देखिए, मज़े और नज़ारे के साथ, कहानी आपने सुनी ली होगी, तो मज़ा लीजिएगा मौसम का। और हमने खाई थी मक्का, आपको दिखाते हैं नज़ारे, आप यहाँ पर पेड़ देख रहे हो, पहाड़ देख रहे हो, ये पहाड़ देखो, पेड़ तो अपना आप देख ही जाते हैं, धुंध छाई हुई है और इस पर नहीं छाई हुई, देख रहे हो, मज़ा बहुत अच्छा। और इस पहाड़ की चोटी भी नहीं दिख रही यार, देखते हैं इस पहाड़ की भाई चोटी भी नहीं दिख रही, वैसे तो खूब दिख रहा है और काफ़ी अच्छा मौसम है। मैं रोड के बीचों बीच आया हुआ हूँ और यहाँ पर गाड़ी खड़ी है अपनी, देख रहे हो भाई, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बारिश आ रही है धीरे धीरे, अब देखो बूंद दिख रही थी पे, वैसे तो फोन पे भी गिर रही है भाई, बहुत अच्छा मौसम है। आप कभी आना राजस्थान की तरफ सिरिस्का के जंगलों में, ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे की नेक्स्ट वीडियो के लिए, या फिर मिलेंगे कल। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू। बादल बहुत नीचे आए हुए हैं, पहाड़ों के छिवे हुए हैं क्योंकि ऊंचाई पर है, पहली बार देखी है, पहली बार ही मैं हम इस चीजों को देख रहा हूं, और तो कुछ नहीं देख रहा, हम खुद पहली बार देख रहे हैं गाइस, तो आपको कैसी लगी हमें बताइएगा।
वाइपर मारो भाई, ठीक है, देख रहे हो ना भाई, मैं शीशे में से दिखा रहा हूँ आपको भाई। भोलेनाथ की कृपा रही तो और भी कुछ बहुत सी चीजें हैं, और ये केदारनाथ धाम है, और ये लोग चलते हुए गाड़ी आती हुई ये दादी माँ है, और यहाँ पर पता नहीं क्या हो रहा है, खड़े हैं लोग सेल्फी ले रहे हैं। यहाँ नई नई शादी हुई है तो अपनी वाइफ को घुमाने के लिए कर आए हैं, कोई मैंने देख लिया था, नहीं नहीं शादी हुई है और देखिएगा। माचिस नहीं है भाई साहब, हम माचिस का काम नहीं करते, ना तो हम बीड़ी पीते हैं ना सिगरेट, तो आप दूरी रखिएगा। तो भाई चलिए और आगे दिखाते हैं, देखो बकरियां रोड पर है, इनको कोई खतरा नहीं है, ये रोड पर पटक देते हैं मरने के लिए, इनको क्लेम तो मिल ही जाएगा, लेकिन गाय पे फुक्का लोग हैं यहाँ पर, कोई पैसा देने का पैसा कहाँ से देगा, खुद की जेब में भी तो पैसा होना चाहिए यार, अभी पैसे पैसे की मशीन नहीं लगी हुई, जिस दिन लग जाएगा उस दिन देख लेंगे। और अब इस बात को छोड़ो, और मौसम देखो भाई साहब, कुछ मत देखो मौसम देखिएगा, ये देखो मौसम जूम करके भाई देख, बादल दिख रहे, पहाड़ दिख ही नहीं रहे गाइस, जबकि पहाड़ है इधर देखो, अब वो सामने वाला दिख रहा है, इसको जूम करता हूँ देखो बादल की वजह से, और देख लेकिन दोस्तों आज कुछ भी नहीं दिख रहा, और इधर ही देख लो आप ज्यादा क्यों दूर जाते हो, देखो पहाड़ों पे बादल, पहाड़ पे क्या बादल, हाँ भाई देखो गाइस हम तो देख ही रहे हैं, लेकिन गाइस दोस्तों को फ्रेंडों को भी अपने सब्सक्राइबरों को भी दिखाना जरूरी है गाइस, दिख ही हिमाचल और उत्तराखंड को मौसम हो रहा है भाई साहब, मजा आ रहा है ना, बता दिया सही करते हम, ये पहाड़ है इस पे जब मंडरा खतरनाक ना वो दिन देखे तू, हाँ इतना नहीं था उस टाइम, ऐसा लगा को सामने तो कुछ है ही ना। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, अरे ऐसे तो गाइस आप लोगों के लिए इतना रिस्क लेते हैं तो आप लोग सब्सक्राइब लाइक नहीं करते यार, करो ना, देखो पहाड़ पूरा क्लियर नहीं दिख रहा धुंध की वजह से, और ये जुलाई का मौसम है ख़त्म होने वाला, अगस्त है 5 दिन बाद तो अगस्त चल जाएगा, देखिए बादल हैं बहुत बुरे काले काले, वहाँ लोग देख रहा हूँ मैं पर्वतों पर ऐसे छाए हुए हैं यार, ये बादल बिल्कुल ऊँचे, आपको मनाली साइड का और उत्तराखंड साइड का हिमाचल प्रदेश साइड का नज़ारा आ रहा होगा, लेकिन ये राजस्थान का है ज़्यादा दूर नहीं है, अलवर से पास है क्या बोलते हैं नटनी का बारा, और नटनी का बारह से 2-4-5 किलोमीटर वहीं दिख रहे हैं पहाड़ों पर, ये धुंध वगैरह आपको दिख रही होगी भाई, बहुत सुहाना मौसम है यार गाइस, आपको कैसा लगा देख करके बताना, कमेंट करना यार, ऐसा नज़ारा थोड़ी ना मिलता, अब हम गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी चलाते चलाते आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, लेकिन आप लोग लाइक करते ही नहीं यार, लाइक क्या करो यार भाई, पीछे नदी है गंगा और आगे भी गंगा, और जिस पे हम खड़े हैं वो पुल है, और ये ज़्यादा दूर का नज़ारा नहीं है, लगा तो हिमाचल प्रदेश का रहा है पीछे, अब बादल देख रहे होंगे आप लोग, और पहाड़ ये दिखाते हैं आपको ये वाला, यहाँ तो बादल कम दिख रहे हैं ऊपर दिख रहे हैं, और पीछे पूरे बादल है काले मंडरा रहे हैं, बारिश भी आ रही है धीरे धीरे, छोटी छोटी बारिश की बूंदें पड़ रही हैं,